Assalamu alaikum. This is Manzoor Hassan, your language instructor. And today we are going to learn a small structure that is phone off. Phone off basically istemal hota hai jab aapne ye kehna ho ki aap kisi cheez ke shaukeen hai. Ya misal ke taur par aap is structure ko yun istemal kar sakte hai ki aap kisi cheez ke karne ke shaukeen hai ya aap kisi cheez ke hi shaukeen hai. Either you have to use gerund form, that's again a noun, or you simply can use a noun there. तो हमारे पास structure इस तरह से है, subject, फिर be form is MR, then the structure phone off, then ing form of the verb, here it's not a verb, basically it's working as a noun. ये ing form यहाँ पर gerund का काम कर रहा है, तो ये as a noun काम कर रहा है. ये आप simply noun ही इस्तेमाल कर सकते हैं. Then you can use object or complement. So the examples are, he is fond of music. वो music के शौकीन है. He is fond of biryani. वो biryani के शौकीन है. Just like that, if you are using ing form of the verb, that would be gerund, you know. So he is fond of listening music. वो music सुनने के शौकीन है. I am fond of eating biryani. I am fond of making biryani. I am fond of speaking English. Somebody is fond of driving a car. Sometimes ये होता है कि जैसे हम simply noun इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि हम इस चीज़ के शौकीन हैं. जैसे मैं कार का शौकीन हूँ, I am fond of cars. कुछ लोग पिकनिक पे जाने के शौकीन होते हैं, they are fond of going for picnic. तो जब भी आप fond of के बाद अगर verb इस्तेमाल करें तो वो ing form होगा. Basically that would be working as a noun, gerund form. Or you are supposed to use a directly noun. अब यहाँ पर क्या है, या तो आप ing form इस्तेमाल करेंगे या तो आप noun इस्तेमाल करेंगे directly. तो हमारे पास कुछ example और देना चाहेंगे हम यहाँ पे. तो क्या है, he is fond of music, I am fond of aeroplanes, I am fond of playing football, I am fond of football. यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो मैं फुटबॉल का शौकीन हूँ. अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि हम खेलने के शौकीन हैं या हम फुटबॉल देखने के शौकीन हैं या हम सिर्फ फुटबॉल के शौकीन हैं. उस वक्त आपको, अगर आप किसी चीज़ के करने के शौकीन हैं, तो यू हैव टू यूज़ आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ जेरंड हियर. जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, जस्ट लाइक दैट. और यू कैन सिंपली यूज़ अ नाउन एज आई सेड, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश. अब ये नहीं पता चलेगा कि इंग्लिश कहने से क्या आप अंग्रेज़ों के शौकीन हैं या आप इंग्लिश लैंग्वेज के शौकीन हैं या आप इंग्लिश बुक के शौकीन हैं. यू नेवर नो. सो यू कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश इंस्टेड ऑफ इट. इफ़ यू क्लेरिफाई बाय सेइंग आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ये बहुत बेहतरीन सेंटेंस होगा. अब हम, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सेंटेंसेस, यू कैन गो फॉर हंड्रेड ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू शो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, आप किस चीज़ के शौकीन हैं ये बताने के लिए. तो मैं इसको थोड़ा और एलिबरेट करूँ तो मैं कहूँगा आप किसी चीज़ के शौकीन हैं, यानी आप किसी नाम के शौकीन हैं. जैसे यू आर फाउंड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट नाउन है. यू आर फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, खेलना अगेन नाउन है. तो यू आर फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. जब आप इसको निगेट करते हैं, जब आप नेगेटिव बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, सिंपली यू हैव टू पुट द एडवर्ब ऑफ निगेशन दैट इज़ नॉट. यहाँ पर आप सिंपली नॉट का इजाफा करेंगे. जैसे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पाइसेस, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग बाय रोड, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग उर्दू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग अरबिक, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, आई एम फॉन्ड ऑफ बींग रेगुलर, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग फॉर पिकनिक. देर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेज दैट यू कैन मेक. और अगर आप सवाल बनाना चाहें तो आप इसे पूछना चाहें, देन यू कैन आस्क लाइक दिस, आर यू फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, आर यू फॉन्ड ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर, आर यू फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम. लाइक दैट यू कैन यूज लॉट्स ऑफ सेंटेंसेज टू मेक दिस स्ट्रक्चर कम इन योर डिस्कशन, राइट. Or if you want to use this particular structure for making any kind of sentence, then you would be having a wonderful sentence here, you know. ये बहुत आसान सा structure है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है. और if you are using it frequently in your discussion, तो English थोड़ा अब बोलने में आसानी feel करेंगे हम लोग.
So this is what we discussed today. This was seriously a small structure. It's a really useful structure. So aaj ke liye itna hi. If you want to ask any question or if you have any query, you can simply put your queries in the comment box. And if you want to learn like this, you can simply join any Lingo branch nearer to your house. We would be helping you out in learning English. Thank you.